जनाब ये आप ये देख सकते हो यहाँ पे टनल का काम बहुत जोरों से चल रहा है अभी। ये देखो यहाँ पे भद्रवाह किश्तवाड़ के लिए और जम्मू के लिए गाड़ियाँ लगती है। ये है पुल डोरा, जो पुल है यहाँ रास्ता है तो ये है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ मस्त होंगे। तो जनाब आज हम जाना है वापस कश्मीर अपने घर। तो हम गाड़ी में सुबह सुबह आ गए थे तो मैंने सोचा गाड़ी से ही शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज कंटिन्यू आप बने रहना हमारे साथ क्योंकि हमें चलना है भद्रवाह से लेकर बराबर कश्मीर तक अपने घर तक। तो इंशाल्लाह आज के व्लॉग में भी बहुत मज़ा आएगा क्योंकि हम आ गए थे परसों किश्तवाड़ सिंथरटॉप से। अब इंशाल्लाह चलेंगे हम यहाँ रामबन से वापस। तो इंशाल्लाह इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कंटिन्यू बने रहना क्योंकि हमने दिखाया वहाँ से सिंथरटॉप किश्तवाड़ से पहले, तो आप दूसरा व्लॉग हम दिखाएंगे यहाँ भद्रवाह से रामबन के रोड से। तो इंशाल्लाह बने रहना कंटिन्यू, तो हम पूरा आज का व्लॉग दिखाएंगे घर तक। तो चलो अभी चलेंगे हम सरतेंगल। ये है अभी सरतेंगल मार्केट जहाँ से हम वापस जा रहे है। ये थोड़ा बहुत देख लीजिए कि किस जगह पे थे हम। तो ये है मार्केट यहाँ का सरतेंगल का मार्केट सुबह सुबह मॉर्निंग में। उसके बाद आगे भद्रवाह मार्केट है, लेकिन थोड़ा बहुत आप देख लीजिए यहाँ पे भद्रवाह कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो ये भी देख सकते हो यहाँ पे, इसी रास्ते से थोड़ा ऊपर थे हम। तो ये भी यहाँ के कैंपस आप देख सकते हो, ये देखो बोर्ड अभी। तो ये है रास्ता आगे। तो हमने सोचा ये भी दिखाएंगे क्योंकि पहले हमने दिखाया नहीं, तो इंशाल्लाह अब मॉर्निंग में दिखा रहे हैं। तो अभी चलेंगे हम, अगर आगे किसी जगह भी हमें मिले तो हम इंशाल्लाह पूरा दिखाएंगे वो। देखो यहाँ पे भद्रवाह मार्केट, तो अभी इंशाल्लाह हम चलेंगे वापस। तो ये देखो अभी मार्केट भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो जो हमने पहले भी दिखाया था, लेकिन अभी हमें वापस चलना है। लेकिन सुबह सुबह मॉर्निंग में दिखाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अब निकलना है हमें यहाँ से। तो ये जो रास्ता है यहाँ, तो ये जो ऑयल पंप है वहाँ पे, तो उसी के लिए जा रहा है। तो अभी ऑयल पंप से भी होते हुए और यहाँ से हम जाएंगे नीचे। तो ये है बस स्टैंड भद्रवाह। तो पूरा देख सकते हो जनाब, लेकिन आज हम दिखाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह भरपूर आपको, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट क्लिप आ जाएगी जब तक हम घर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो गाइज ये अभी देख सकते हो यहाँ पे पुल डोरा पहुँच गए हम। तो जो मैंने बताया था कि हम पुल डोरा में मिलेंगे, तो अभी यहाँ से चुनाव तो ऑलरेडी शुरू पहले से होता है, लेकिन अब चुनाव भी दिखाएंगे। लेकिन बस्ती देखो ऊपर, ये देखो बस्ती कहाँ कौन से टॉप पे है अभी। तो ये देखो ये जो ऊपर है ये डोरा सिटी है ऊपर, ये आप देख सकते हो डोरा सिटी जो ऊपर है ना, जो बस्ती ऊपर है वो डोरा सिटी है। तो अभी आप पुल डोरा देख सकते हो यहाँ नीचे, तो ये दिखाएंगे अभी आपको पुल। तो यहाँ पे देख सकते हो पुल डोरा बिल्कुल जनाब। ये देखो यहाँ पे भद्रवाह किश्तवाड़ के लिए और जम्मू के लिए गाड़ियाँ लगती है कंटिन्यू। तो अभी आप देख सकते हो मार्केट थोड़ा बहुत, लेकिन बाहर से दिखाएंगे अभी व्यू आपको। तो ये है पुल डोरा, जो पुल है यहाँ किश्तवाड़ के जाने के लिए जो रास्ता है, तो ये है। यहाँ से आए तो ये अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो नीचे हमने दिखाया, तो ये चिनाब है। तो अभी ऊपर देख सकते हो ये रास्ता है अभी पुल डोरा के लिए। तो मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को, ये जो ऊपर बस्ती दिख रही है ये वाली बस्ती, या ये जो रोड है ये डोरा सिटी के लिए रोड है। अभी ये जो ऊपर बस्ती है ये सिटी डोरा बस्ती है ऊपर, तो ये सिटी डोरा के लिए रास्ता जाता है। तो अभी आप नीचे भी जो हमने दिखाया था अभी चिनाब, तो अभी हम चलते हैं ये वाला रास्ता जो है। तो ये अभी आप देख सकते हो नाशरी टंडल की तरफ ये रास्ता जा रहा है, तो पटवत की तरफ। तो पहले हम पटवत पहुंचेंगे, तो उसके बाद हमें जाना है नीचे थोड़ा नाशरी। आप खुद देख सकते हो वो आगे, लेकिन अभी देखो यहाँ पे कि नेशनल हाईवे अभी लगभग किसी किसी जगह पे इनकम्प्लीट है, लेकिन बाकी जगहों पे ठीक ठाक बना है। तो ये थोड़ा व्यू दिखाएंगे हम अभी बाहर का, तो और भी आप व्यू का मजा लीजिए। लेकिन यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये देखो फ्लाईओवर भी बना है ऊपर, ये किश्तवाड़ रोड जो है। तो आप देख सकते हो अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरा अभी हवे,
लेकिन आप देखो कितने हाइट पे ये बन रहा है अभी। यहाँ देखो नीचे चिनाब, तो बिल्कुल ये बन रहा है अभी। ये देखो अभी आप फ्लाईओवर, और ऊपर से ये रास्ता बन रहा है हवे का। तो अभी नीचे जाना है हमें, लेकिन यहाँ पे जो नया पुल बना है डोडा के सिटी के लिए, वो आप देख सकते हो वहाँ भी। देखो यहाँ पे सिटी डोडा ऊपर जितनी भी बस्ती आपको दिख रही है, तो जो नया पुल बना है यहाँ पे, तो जब हम पहले आए थे यहाँ पे, लेकिन अब ये शॉर्टकट बन चुका है यहाँ पे पुल। ये जो सिटी डोडा है, सिटी डोडा के लिए ये पुल जो है नया बना है शॉर्टकट के लिए। तो अभी देखो सिटी कहाँ पे है। तो पहले वाला रास्ता था यहाँ से, बिल्कुल जो वहाँ से अभी आ रहा है आपको दिख रहा है वो नीचे, तो वो अभी पुल डोडा से रास्ता आ रहे हो। तो अभी ये शॉर्टकट आया यहाँ से, लेकिन जो हमने पहले दिखाया था, अभी नया पुल बना है यहाँ पे। अभी हम थोड़ा बहुत जूम करके दिखाएंगे आपको, लेकिन गाड़ियाँ जा रही है अभी इस पुल से। तो ये है सिटी डोडा ऊपर। तो अभी यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है ज़बरदस्त, तो आप इंशाल्लाह नेशनल हाईवे भी ठीक ठाक बनेगा। तो आगे आगे हम भी दिखाएंगे, लेकिन आप शेयर करते रहना तब तक, बाकी लोग भी देखने चाहिए, आप शेयर कीजिए तब तक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जनाब। रास्ता यही जा रहा है अभी डोडा सिटी के लिए, जो रास्ता है ये जा रहा है अभी जनाब। ये आप ये देख सकते हो यहाँ पे टनल का काम बहुत जोरों से चल रहा है अभी। तो ये डायरेक्ट निकलेगा लगभग पुल डोडा से थोड़ा बहुत पीछे। ये अभी देख सकते हो यहाँ पे जो टनल का काम चल रहा है अभी, तो बिल्कुल ये देखो जनाब अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है यहाँ पे, जो हमने बताया था कि नेशनल हाईवे पूरा। यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो, ये देखो दोबारा पीछे भी, लेकिन इससे बहुत सफर कम होगा यहाँ। ये जो यहाँ पे टनल है, जो वहाँ पे बता रहे थे लोगों के कहाँ पे निकलेगा, जो इसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, यहाँ पूरा यहाँ से ये देखो अभी हमारे से भी ऊपर, वो देखो गाड़ियाँ। तो अभी यहाँ से होते हुए फिर वहाँ से हमें रिटर्न वापस आना है, तो चलना है इस वाले साइड में। ये जो यहाँ पे रोड है, इस वाले साइड में जो रोड है, तो वहीं से ऊपर जाना है हमें और वापस रिटर्न में फिर भी। तो ये देख सकते हो वो वाला पुल जहाँ से दूसरे वाले साइड में अभी जाना है हमें, ये देख सकते हो खुद आप रोड। बिल्कुल अब रिटर्न में जाना है, तो वहाँ जाके हम दिखाएंगे। तो गाइस यहाँ का रोड आप खुद देख सकते हो, तो जो हमने वो दूसरा वाला साइड दिखाया था अभी, लेकिन यहाँ पे आप देखो दूर दूर तक नज़र देखो आप कि कौन सा रोड है डोडा किश्तवाड़ के लिए। और रिटर्न में हम वापस आ गए थे, और भी आगे चलना है हमें ऊपर, ये आप पूरा देख सकते हो यहाँ पे। तो आज हमने यही मुनासिब समझा कि पहले जब हम सिंथन टॉप से आ गए थे, तो अब आज पूरा दिखाई, वो देखो कहाँ से आना था, मैं बाहर से दिखाऊंगा अभी आपको। तो जनाब हम जट्ठी पहुंच गए थे, लेकिन हमने सोचा कि यहाँ पे आज हम आपको जो यहाँ पे जनवरी है, तो जनवरी के मौसम में भी हम आपको मक्की दिखाएंगे कि यहाँ जट्टी में मक्की भी यहाँ इस वक्त प्रेजेंट में खड़ा है। लेकिन हमने जो नेशनल हाईवे से ही देखी थी, तो हम आ गए थे नीचे। तो यहाँ पे देखो अभी साग भी है यहाँ पे, जो भी सब्जी है चाहे कोई भी, कश्तवाड़ के प्रेजेंट में यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। यानी कि ये जट्ठी जो है, तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये जट्ठी जो है ये गर्म इलाका है। तो हम खुश हुए थे यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो भाई थे साथ में, तो उसने बताया था कि जट्ठी में अभी भी सब्जी है और सब्जी यहाँ पे कंटिन्यू होती थी। तो लेकिन जब हम यहाँ पहुँच गए, तो हमने दूर तक नज़र मारी थी इस ज़मीन पे, तो यहाँ पे हर कोई वैरायटी, चाहे मूली हो चाहे मक्की हो, तो वो आपके सामने भी इस वक्त यहाँ पे खड़ा है। अभी आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो, इस वाले पोर्शन में भी आप देख सकते हो, ये वाला साइड, ये देखो यहाँ पे मक्की, देखो ग्रीन मक्की है इस वक्त प्रेजेंट में। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा बहुत यानी कि जनवरी में भी दिखाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ हर कोई सब्जी डोडा डिस्ट्रिक्ट जट्टी में मिलती है, यानी कि प्रेजेंट में होती है। और यहाँ पे देखो साग, अगर हम कश्मीर की साग की बात करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे जूम करके मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगा आपको। तो ये देखो साग भी यहाँ पे बिल्कुल तो अवेलेबल है, यहाँ खड़ा है। ये देखो अभी मक्की, देखो यानी कि इसमें भी अभी वो, लेकिन इसमें कंटिन्यू ये निकालते हैं मक्की। तो यहाँ पे देखो
तो अब कंटिन्यू होती है 12 महीने यहाँ पे ये सब्जी। और यहाँ पे देखो जटी जो ऊपर बस्ती है, तो यहाँ पे नीचे आ गए थे वहाँ पर भी है सब्जी हर जगह पे। तो वहाँ दूर दूर तक अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हर कोई वैरायटी इस वक्त मौजूद है। ये अभी देखो यहाँ पे पूरा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप सब लोग। तो आज देखो यहाँ पे जनवरी में, तो लेकिन डोडा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पीछे जो वो वाला साइड है तो वो देखो अभी चिनाब, यानी कि पूरा हम चिनाब भी आपको दिखाएंगे। तो जो चिनाब दरिया है तो वो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे ज़्यादा गर्म इलाका है, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती है। तो ये यहाँ लोगों का कहना है और जो हमारे भाई है वो उसका भी कहना है। लेकिन वहाँ से आ गए थे हम अभी डोडा किश्तवाड़ से, तो ये अभी पूरा देखो वो अभी हमने चिनाब दिखाया नीचे, और यहाँ पे आप पूरा ये देख सकते हो। लेकिन मक्की देखो इस वक्त भी यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ पे हर कोई सब्जी वैरायटी जो भी है मिल जाते हैं। वक्त भी है, ये देखो जनाब बैंगन का पेड़। तो ये अभी आप देख सकते हो यहाँ पे टमाटर देखो यहाँ पे कितने हैं अभी यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलो इंशाल्लाह अभी चलते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि जट्टी जो है यहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, तो जट्टी का इलाका तो बहुत अच्छा इलाका और सब्ज इलाका, यहाँ पे 12 महीने सब्जी रहती है। तो ये देखो यहाँ पर भी ज़मीन में भी आज भी लोग हैं और जो साग लाते हैं, ये देखो साग, बंद गोभी, फूल गोभी जिसको हम कहते हैं, या इस कश्मीर में अभी ये मार्च अप्रैल अप्रैल में ये ऐसा होगा, ये देखो यहाँ पे अभी रेडी है। तो चलो इंशाल्लाह अभी चलते हैं हम, और भी दिखाएंगे आगे, लेकिन ये जटी का इलाका है पूरा, तो आप ये यहाँ से ही देख सकते हो, तो बिल्कुल वहाँ दूर तक, क्योंकि ये भी दिखा सकते हैं, तो यहाँ तक ये इलाका जटी का इलाका है पूरा। लेकिन अब इंशाल्लाह हम चाय शाय पियेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है अभी। तो इसको कहते हैं असर बगर यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छा, लेकिन टूरिस्ट रुके, लेकिन यहाँ की दाल जो है, दाल और रोटी तो वो बहुत मशहूर है यहाँ पे। तो अभी भैया कह रहा था कि वो खाएंगे, लेकिन अभी भूख नहीं लगी है, तो इसको मैंने बताया कि हम आगे ही चाय ही पियेंगे अभी। तो चाय के बाद देखेंगे आगे कि खाना कहाँ खाएंगे। ये अभी देख सकते हो यहाँ पे पूरा, तो ये है मेन बटवर्थ, यहाँ पे टोल शोल लेते हैं गाड़ियों को। तो ये देखो कटरा पटनी टॉप के लेफ्ट साइड में ऑलरेडी पटनी टॉप है, ये आप बोर्ड देख सकते हो यहाँ पे, तो जनरी तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में पटनी टॉप है, तो सीधे ही नासरी टंडल, तो इस वाले साइड में ही नासरी टंडल जहाँ से हमें जाना है। तो फिर कश्मीर भी इसी साइड से जाता है, यहाँ पे पटनी टॉप जो था वो लेफ्ट वाले साइड में था। तो अभी हम चलेंगे यहाँ कश्मीर, कश्मीर के तरफ, ये देख सकते हो बटवत। ये गाड़ी आ गई थी किश्तवाड़ से, तो इसको जाना है अभी जम्मू, लेकिन ये नासरी टनल से शॉर्टकट से निकलेगी अभी, तो हम चलेंगे अभी कश्मीर। तो ये भी देख सकते हो अभी चुनानी नासरी टनल जो है, तो ये अभी देख सकते हो जूम करके थोड़ा, लेकिन हम आ गए यहाँ बटवत से, तो वो देखो नेशनल हाईवे, ये अभी पहुँच गए हम यहाँ, तो वो हमने दिखाया वो टोल पोस्ट जो है वो आप देख सकते हो वहाँ पे। तो ये अभी देख सकते हो यहाँ पे टोल पोस्ट, तो यहाँ पीछे टोल पोस्ट है, लेकिन अभी हम गाड़ी मोड़ेंगे वहाँ श्रीनगर के लिए। तो यहाँ पे अभी देखो जम्मू के लिए भी रेडी, यहाँ किश्तवाड़ से ही सवारी आ जाती है कुछ। ये देखो अभी जनाब वो देखो टोल पोस्ट, नासरी टनल का टोल पोस्ट। तो अभी हम चलेंगे यहाँ से अपने कश्मीर के लिए, श्रीनगर के लिए। तो चलो अभी इंशाल्लाह चलते हैं। ये देखो 148 श्रीनगर रामबन, 18 किलोमीटर यहाँ से भी। तो अब हम इंशाल्लाह चलेंगे आगे आगे, लेकिन यहाँ से कुछ टॉफी शाफी ले लेंगे अभी कुछ, तो फिर चलेंगे उसके बाद। लेकिन आप बने रहना अभी, क्योंकि अभी हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे कुछ टॉफी शॉफी ले लेंगे। मेरे ख्याल से चलेंगे अभी, तो यहाँ पे ले लेंगे या चाय शाय भी अगर पीनी होगी, लेकिन हमने चाय पी अभी, तो अभी चलेंगे यहाँ। तो ये देखो अभी जनाब ये रेंडे हटी, और यहाँ पे देख सकते हो सब, तो बहुत बाग आ रहे हैं अभी यहाँ पे खाना भी खाने के लिए, चाय शाय भी पीने के लिए। ये आप खुद देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन थोड़ा बहुत हम आप लोगों को दिखाएंगे। चलो लगस शुक्रिया।
तो ये अभी देख सकते हो यहाँ पे जो बर्फ़ी है जो कुदी में मिलती थी, आप नीचे भी मिल जाती है हर जगह पे, उस वाले साइड में भी ये भी। और फयाज भाई भी आ जाएगा अभी लेने के लिए। जनाब कई शो अस करन किलोवा यार जो 4070 रुपए में फ्रेंड 4070 रुपए अच्छा अस लागने 4070। चलो शुक्रिया जनाब तुम टेस्ट ना लगस कह ते करो एक टेस्ट। तो चलो इस भाई का शुक्रिया, ये कह रहे कि पहले टेस्ट करो उसके बाद आप। देख सकते हो कि बर्फी शर्फी भी हो गई सब कुछ, तो इंशाल्लाह अभी चलेंगे आज घर। तो आप देख सकते हो खुद मैंने पहन पहन के रखा है। तो अभी जाना है हमें अपना कश्मीर, तो वहाँ पे इंशाल्लाह बर्फ़ पड़ेगा बहुत सारा, तो इसीलिए हमने पहन पहन के रखा है क्योंकि इंशाल्लाह बर्फ़ पड़ने वाली है अब। तो हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हमारे कश्मीर में अब बर्फ़बारी हो, पूरे जम्मू कश्मीर में बर्फ़बारी हो। तो अभी आप देख सकते हो खुद मौसम, तो वो हम कंटिन्यू दुआ करते हैं और आप लोग भी इंशाल्लाह कीजिए कि हमारे कश्मीर में बर्फ़बारी जल्द से जल्द हो। तो चलो अभी इंशाल्लाह चलेंगे, आप दुआ में याद रखना। लेकिन अगर ये वीडियो किसी भी रीज़न अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो अभी चलो। देख सकते हो लेकिन हम पहुंच गए थे पानीहाल, लेकिन यहाँ पे जाम अभी लगभग आधा घंटा हो गया यहाँ मार्केट में, तो यहाँ पे अभी जाम है। लेकिन हम स्टेरिंग पे बैठे हुए, तो मैंने सोचा चलो ये पहले आप देखो कि किस तरीके से जाम है यहाँ पे। ये देखो बीच रोड पे अभी गाड़ियाँ मोड़ देते हैं, तो अभी आप ही बताए कि कहाँ से निकलेंगे यार। ये है यहाँ पे जाम अभी, आप देख सकते हो यहाँ जो डापंग के सामने है। तो क्या कहेंगे हम, ये देखो मैंने फेरन पहन के ही रखे थे वहाँ से ही, तो भद्रवा से। लेकिन बहुत मज़ा आया था भद्रवा में, तो हम लगभग दो चार जगहों पे वहाँ पे घूमने के लिए गए थे, और आपने देखा होगा व्लॉग में। लेकिन जिस तरीके से आपने फेसबुक पे उन व्लॉगों पे प्यार दिया, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप इन व्लॉगों को आज प्यार दोगे। तो इंशाल्लाह अब हम घर पहुँचने वाले हैं, यही कुछ एक घंटा लगेगा बानहल से। तो इंशाल्लाह हम शाम के टाइम यानी कि कल यानी कि आज शाम के टाइम हम इंशाल्लाह लाइव भी आ जाएंगे फेसबुक पर, तो आप बने रहना कंटिन्यू। तो अभी यहाँ थोड़ा बहुत जाम है, तो इंशाल्लाह अभी मिलेंगे आगे आपको, और तो वहाँ जाके आपके साथ और बात करेंगे। तो चलो इंशाल्लाह आप बने रहना कंटिन्यू। तो आप देख लीजिए अभी हम जाम में है यहाँ पे जो बानीहाल मार्केट में है, तो वहाँ पे जाम में फंसे हुए हैं। तो जब हम घर पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ कंटिन्यू करें। तो चलो अभी जाम मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत हो गया फ्री। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ड्राइवर अब चेंज होगा बानल से, तो इंशाल्लाह हम थक गए थे यहाँ तक, लेकिन बहुत गर्मी है अभी यहाँ मुझे लगता है, लेकिन इंशाल्लाह अभी चलेंगे हम। तो अभी अमरूद पहले हम खाएंगे, यहाँ हमने अमरूद ले लिए, तो अभी वो खाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ थोड़ा कि किस जगह पे रुके हैं। पहले हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सी लोकेशन पे पहुंच गए, तो ये देखो अभी तो आगे रेलवे स्टेशन है वहाँ आगे। अभी आप देखो यहाँ पे मेरे पीछे बानीहाल पूरा यहाँ पे दिख रहा है अभी, तो यहाँ से आगे हम मार्केट से अभी, तो जहाँ से गाड़ियाँ आ रही है पीछे, ये आप पूरा देख सकते हो पीछे की कितना अभी रश है अभी से हमें आ रही है पूरी गाड़ियाँ। तो जहाँ में फंसे थे यहाँ बानीहाल मार्केट में, तो चलो अभी इंशाल्लाह चलेंगे। तो रेलवे स्टेशन आप देखो यहाँ पे बानीहाल में, तो आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, तो मेरे ख्याल से अब जल्दी ये रश खत्म होने वाला है क्योंकि अब ट्रेन यहाँ पे शुरू होगी। डालने के लिए हम जा रहे हैं यहाँ पे, तो फ्यूल डालेंगे अभी कुछ, तो यहाँ पे अभी पहुँच गए। लेकिन ये देखो कोकरनाक का व्यू, और यहाँ पे भी आज गर्मी ठीक ठाक है, तो ये अभी ऑयल डालेंगे कुछ, बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे हम ऑयल डाल रहे थे अभी,
तो इंशाल्लाह जो आप लोगों ने देखा, तो अभी हम घर चलेंगे। लेकिन अगर ये वीडियो किसी भी रीज़न से आप लोगों को अच्छा लगा तो इंशाल्लाह लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आपने देखा होगा और पुकरनाग या अपने इलाके में भी आज खूब अच्छी खासी थी, लेकिन इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द बर्फबारी हो। तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो को सपोर्ट करते रहना, तो इंशाल्लाह हम घर पहुँच गए। तो आप दुआ में याद रखना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल या परसों किसी दूसरे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।